हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस पाइथन ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, पाइथन में इसका क्या यूज़ होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। देखिए, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक क्लास और एक ऑब्जेक्ट। ये आप ध्यान में रखिए। क्लास क्या होती है? एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। भाई यूज़र कौन है? यूज़र हम हैं। हम एक डेटा टाइप को डिफाइन कर देते हैं, वही एक क्लास बन जाती है। ऑब्जेक्ट क्या होती है? स्पेसिफिक इंस्टेंसेस ऑफ ए क्लास। एक क्लास के अंदर कुछ स्पेसिफिक इंस्टेंसेस होते हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो क्लास और ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, ये दोनों एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते। तो मेनली ये जानिए कि इसमें हम क्लासेस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिएटिंग द फर्स्ट क्लास, हम जो है अपनी पहली क्लास बनाने जा रहे हैं पाइथन के अंदर, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप क्लास कीवर्ड यूज़ कीजिए और ये ग्रीन हो जाएगा। हम एक फ़ोन की क्लास बना रहे हैं, फ़ोन लिखा हमने, फिर हम जो है कॉल लगा देते हैं। तो उसके अंदर हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं मेक कॉल कर का, मेक कॉल, और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं सेल्फ। ये सेल्फ क्यों लिखते हैं, ये क्या है, इसको अभी बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना लिखते हैं, डिफाइन मेक कॉल सेल्फ। फिर हम वैल्यू प्रिंट करा देते हैं मेकिंग फोन कॉल। दूसरा फंक्शन ले लेते हैं डिफाइन प्ले गेम, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर सेल्फ लिखते हैं, फिर कॉलन लगा के हम प्रिंट करा देते हैं प्लेइंग गेम। यानी जब मैं मेक कॉल को प्रिंट करूं तो मेकिंग फोन कॉल आ जाए प्रिंट होके, और जब मैं प्ले गेम को प्रिंट करूं तो प्लेइंग गेम आ जाए प्रिंट होके। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, जो हमारी फ़ोन क्लास थी उसको हम इंस्टेंशिएट कर देंगे एक ऑब्जेक्ट में, जो उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या, P1 इक्वल टू फोन। फिर जैसे ही मैं p1.make कॉल करूँगा तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा मेकिंग फोन कॉल। p1.play गेम करूँगा फिर मुझे प्लेइंग गेम मिल जाएगा। इस तरीके से हमारी क्लासेस काम करती हैं। क्लास को हम ऐसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हम क्लास बनाते हैं, इंस्टेंशिएट करते हैं, फिर मेथड्स को इन्वोक कर देते हैं ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। फिर आते हैं हम पैरामीटर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं क्लासेस में। देखिए, एक क्लास हमारी जो फ़ोन क्लास है वो हम बना रहे हैं, उसमें एक हम फंक्शन डिफाइन करते हैं कि सेट कलर। फिर हम सेल्फ लिखते हैं, सेल्फ जो है सबसे पहले लिखते हैं, हम कुछ भी लिख रहे हैं मतलब ब्रैकेट के अंदर कई सारी चीज़ें जब लिखते हैं तो सबसे पहले हम सेल्फ ही लिखते हैं, फिर कॉमा लगा के हम कलर लिख देंगे, उसके बाद कॉलन लगा के हम लिखेंगे सेल्फ डॉट कलर इक्वल टू कलर। यानी सेल्फ डॉट कलर के अंदर जो वैल्यू असाइन है वो कलर की वैल्यू असाइन है। फिर आता है हमारा डिफाइन सेट कॉस्ट, इसके अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे सेल्फ डॉट कॉस्ट, कॉलन लगा देंगे, फिर सेल्फ डॉट कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट को हम असाइन कर देंगे। फिर हम एक और फंक्शन ले लेंगे सो कलर, इसके अंदर सेल्फ के अंदर इसको हम रिटर्न करा देंगे सेल्फ डॉट कलर। सेल्फ डॉट कलर क्या है, कलर का नाम आ जाएगा। इसी तरीके से हम शो कॉस्ट कर लेंगे, फिर सेल्फ लगा के रिटर्न करेंगे सेल्फ डॉट कॉस्ट, तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी। फिर हम ऑब्जेक्ट ले देते हैं P2 इक्वल टू फोन, फिर जैसे ही मैं P2 सेट कलर ब्रैकेट में ब्लू लिखूंगा और P2 सेट कॉस्ट ब्रैकेट में 5000 लिखूंगा, उसके बाद P2 शो कलर करूंगा, जब मैं उसको प्रिंट करूंगा तो जो है मुझे आउटपुट मिल जाएगा ब्लू, क्योंकि मैंने ब्रैकेट में ब्लू वैल्यू को यूज़ किया था। फिर जैसे ही मैं P2 शो कॉस्ट करूँगा मुझे आउटपुट मिल जाएगा 5000, क्योंकि मैंने 5000 को सेट कॉस्ट में असाइन किया था, ब्लू को मैंने सेट कलर में असाइन किया था। इस तरीके से हम क्लासेस बनाकर उनके अंदर पैरामीटर्स भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हमने दो पैरामीटर ऐड किए, एक कलर और एक कॉस्ट। सबसे पहले हम फंक्शन लेंगे सेट कलर का, फिर हम फंक्शन लेंगे सेट कॉस्ट का, फिर हम शो कलर करेंगे एक फंक्शन से, फिर दूसरे फंक्शन से हम शो कॉस्ट करेंगे। इस तरीके से हम चार फंक्शन बनाएंगे इस क्लास के अंदर, एक सेट करने का, दूसरा जो है शो करने का हर एक पैरामीटर के लिए। उसके बाद हम P2 एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे, उसके अंदर फ़ोन क्लास को इंस्टेंशिएट कर देंगे, फिर P2.setColor, अभी हम कलर सेट कर रहे हैं, ब्रैकेट में हमने ब्लू लिख दिया, फिर P2.setCost, यानी हम कॉस्ट सेट कर रहे हैं तो हमने 5000 लिख दिया। फिर हम शो कॉस्ट करेंगे, शो कलर करेंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा, शो कलर में हमें आउटपुट मिलेगा ब्लू और शो कॉस्ट में हमें आउटपुट मिल जाएगा 5000। इस तरीके से हम पैरामीटर्स को क्लासेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। फिर आता है हमारा क्रिएटिंग ए क्लास विद कंस्ट्रक्टर, इनिट फंक्शन। देखिए, एक इनिट फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, इसको कैसे लिखते हैं, डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर।
इसको यूज़ कैसे करते हैं, ये क्या होता है, इसको अभी बाद में देखेंगे, पहले हम इसको यूज़ करते हैं। देखिए, एक क्लास हम बना रहे हैं एम्प्लॉय नाम की, उसके अंदर हमने फंक्शन लिख दिया def, डिफाइन कर रहे हैं हम, फिर हमने इनिट फंक्शन लगा दिया। अब ब्रैकेट में हम लिखेंगे सेल्फ, सबसे पहले हम सेल्फ लिखते हैं, फिर नेम, एज, सैलरी, जेंडर, कॉलन। अब जितने भी मैंने लिखे हैं सेल्फ के अलावा, तो मैं कैसे लिखूंगा उनको, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इक्वल टू एज, सेल्फ डॉट सैलरी इक्वल टू सैलरी, सेल्फ डॉट जेंडर इक्वल टू जेंडर। जितने भी हमने ब्रैकेट में लिखे थे सबको सेल्फ डॉट करके वैल्यूज़ असाइन कर देंगे। फिर हम दूसरा फंक्शन बनाएंगे डिफाइन एम्प्लॉय डिटेल्स, ब्रैकेट में सिर्फ सेल्फ लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या है, वैल्यू को शो करना है। फिर सबसे पहले हम प्रिंट करा देंगे नेम ऑफ एम्प्लॉय इज कॉमा सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम क्या है, उसमें नेम आ जाएगा। प्रिंट एज ऑफ एम्प्लॉय इज सेल्फ डॉट एज, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज सेल्फ डॉट सैलरी, जेंडर ऑफ एम्प्लॉय इज सेल्फ डॉट जेंडर। ठीक है, सेल्फ डॉट नेम में नेम आ जाएगा, सेल्फ डॉट एज में एज आ जाएगी, सेल्फ डॉट सैलरी में सैलरी आ जाएगी, और सेल्फ डॉट जेंडर में जेंडर आ जाएगा। उसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं ईवन एम्प्लॉय, फिर हम चारों वैल्यूज को पुट कर देते हैं, सैम 32, 50,000 और मेल। फिर जैसे ही हम ईवन डॉट एम्प्लॉय डिटेल्स को प्रिंट कराते हैं, हमें आउटपुट मिल जाएगा नेम ऑफ एम्प्लॉयज सैम, एज ऑफ एम्प्लॉयज 32, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज 50,000 एंड जेंडर ऑफ एम्प्लॉयज मेल। इस तरीके से हम इनिट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं पाइथन के अंदर। अब देखते हैं कि इनिट फंक्शन होता क्या है। देखिए, जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो इनिट फंक्शन जो है अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है, इसको हमें डालने की ज़रूरत भी नहीं है, अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है। दिस फंक्शन टू असाइन वैल्यू टू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ को वैल्यूज़ असाइन करने के लिए भी हम इस फंक्शन का यूज़ करते हैं, और ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है एवरी टाइम, जब भी आप क्लास बनाओगे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। फिर आता है हमारा सेल्फ पैरामीटर। अभी हम जो सेल्फ सेल्फ लिख रहे थे वो होता क्या है, देखिए, इट इज़ अ रेफरेंस टू करंट इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, जो क्लास की करंट इंस्टेंस होती है उसके लिए एक रेफरेंस होता है, एंड इज़ यूज टू एक्सेस वेरिएबल्स, वेरिएबल्स तक पहुँचने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसका नाम आप सेल्फ ही नहीं लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख दो सेल्फ के अलावा, पोटैटो, टोमेटो, कुछ भी लिख दो, सेल्फ लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड माना जाता है इसलिए हम सेल्फ को लिख देते हैं सेल्फ, बट इट हैज़ टू बी फर्स्ट पैरामीटर ऑफ एनी फंक्शन इन द क्लास। लेकिन जब भी आप कोई क्लास में फंक्शन बना रहे हैं तो सबसे पहला जो पैरामीटर है वो सेल्फ ही होना चाहिए, इस बात को आप नोट कर लीजिए। जैसे कि हमने अभी सेल्फ कॉमा नेम एज जेंडर लिखा, आप ऐसे नहीं लिख सकते कि पहले एज लिख दिया फिर सेल्फ लिखा। सबसे पहले आप उस ब्रैकेट के अंदर अगर इनिट फंक्शन का यूज़ करें तो सबसे पहले आप सेल्फ ही लिखेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ कि इसको सेल्फ ही हम नहीं लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं। एक क्लास बना रहे हैं हम पर्सन, इसमें हमने एक फंक्शन डिफाइन किया इनिट फंक्शन, सेल्फ ही जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया पोटैटो, कॉमा लगा के नेम एज कॉलन, फिर पोटैटो डॉट नेम इक्वल टू नेम, पोटैटो डॉट एज इक्वल टू एज। इस तरीके से हम सेल्फ की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पोटैटो को यूज़ किया है, आप टोमेटो यूज़ कर सकते हैं, वाटर यूज़ कर सकते हैं, बॉटल यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर सेल्फ की जगह पे। लेकिन एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा तरीके से ध्यान में रखनी है वो ये कि सेल्फ को हम सबसे पहले लिखते हैं, सेल्फ को हम सबसे पहले लिखते हैं। नाम आप कुछ भी लिख दीजिए, चाहे सेल्फ लिखिए, चाहे वाटर लिखिए, चाहे मोबाइल लिखिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे सबसे पहले ही। फिर आता है हमारा पास स्टेटमेंट। देखिए, क्लास डेफिनेशंस कैन नॉट बी एम्प्टी, बट इफ़ यू फॉर सम रीजन हैव ए क्लास डेफिनेशन विद नो कंटेंट। देखिए, जब भी हम क्लास बनाते हैं तो उसके अंदर हम कंटेंट रखते ही रखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा आ जाता है कि हमें किसी क्लास के अंदर कोई कंटेंट रखना ही नहीं है, क्लास को ऐसे ही खाली छोड़ देना है। तो ऐसी सूरत में अगर हम क्लास को ऐसी खाली छोड़ देंगे तो वहाँ पर प्रोग्राम में हमारे एरर दिखाने लगेगा। लेकिन इससे बचने का एक तरीका है, इससे बचने का तरीका ये है कि आप क्लास के नीचे पास स्टेटमेंट का यूज़ कर दीजिए। जैसे ही आप क्लास के नीचे पास लिखेंगे आपको प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं दिखाएगा। पास स्टेटमेंट क्या करता है कि जब भी कोई क्लास में कोई कंटेंट नहीं होता है, क्लास की डेफिनेशन एम्प्टी होती है, तो पास स्टेटमेंट का यूज़ करके हम किसी भी एरर को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है क्लास इक्वल टू पर्सन, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा और नीचे सिर्फ पास लिख दिया। अब क्या है, मेरे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं आएगी। तो आई होप आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।